अभी तक जाग रहे हो हमारे इंतजार में? इधर आओ यार, देखो तो कैसा हो रहा है बेचारा। मुझे देर हो जाए तो ऐसा ही हो जाता है। अच्छा है, कोई तो मिस करता है तुम्हें। शर्लॉक, हाँ कैसे हो? देखो आ गया हूँ बस मैं। चलो अब मुस्कुराओ बस। हाँ बहुत आला, शाबाश। कल फिर यही होगा, इसे मालूम है। सुनो कॉफी चलेगी? नहीं इस वक्त दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल। कॉफी के बहाने थोड़ी गपशप हो जाएगी, फिर सो जाना। मैं और तुम सारा दिन तो साथ ही होते हैं, कल दिन में कर लेंगे गपशप। अच्छा चलो ये तो देख लें। हाँ क्या कहती हो? तुम्हें पता है सब कुछ एक सुहाना ख्वाब लग रहा था मुझे, और मैं एक ख्वाब देखने वाली और उसके लवर को साथ देख रहा था। बहुत खूबसूरत कपल था, कंपैरिजन के लिए बहुत प्यारी चॉइस, बहुत दिलकश और हसीन। क्या लगता है उसे मुझसे मोहब्बत है इब्राहिम? तुम्हारी राय बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बिल्कुल है, मगर मुझे ये लगता है कि क्या कुछ मिसिंग है, जैसे तुम दोनों के दिल अभी एक ताल पर नहीं धड़कते। उसे कोई हिचकिचाहट है आगे बढ़ने में, और जहां तक तुम्हारा ताल्लुक है तुम भी बेयकीनी में हो। तो हम कामयाब हो गए। बहुत इंटीमेट शॉट्स आए हैं। बिल्कुल, शूट के दौरान लग रहा था कि आप दोनों के बीच सचमुच मोहब्बत है कि नहीं। सार्टे गेट्स यू क्लोजर। यार भाई कमाल की कैंपेन हो गई है, सभी मोहब्बत करने वाले सोचेंगे काश हम भी इन दोनों की तरह आशिक होते। बात सुनो, मेरे पास भी तुम्हारे बहुत से सीक्रेट्स हैं, अगर मैं रिकॉर्ड लगाने पर आ गया ना तो तुम परेशान हो जाओगे। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी क्या मजाल कि आपका रिकॉर्ड लगाओ, मगर इस खुशी की वजह तो बता दें। और क्या बात हो सकती है? कामयाबी? सिर्फ प्रोफेशनल कामयाबी या कुछ और भी? यानी हाँ बस प्रोफेशनल ही समझ लो। नहीं भाई साहब, देखें हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, कोई तो और बात भी है। अब मुझसे भी छुपाएंगे क्या? टूवल ने एक बात बताई मुझे। क्या? वो ये कि हयात ने बताया कि इब्राहिम के साथ रहने वाली बात झूठ थी। एन शूट से पहले ये बात बताई उसने मुझे। सुनो जो भी बकना है बककर खत्म करो, ताकि मैं भी सुकून से सो जाऊं। तुमसे कहा था ना कि हम मसला हल कर देंगे। जब हम ठान लेते हैं तो कर गुजरते हैं, चाहे कितनी भी रुकावटें आ जाए। तुमसे कोई पर्सनल बात शेयर नहीं करूंगी, तय कर लिया है मैंने। अब तुम्हें इब्राहिम के मामले में कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। हाँ भाई, वो मसला हल हो गया, यानी फिक्र की कोई जरूरत नहीं। इस मसले से जुड़ी जो भी उलझने थी, मतलब कॉम्प्लिकेशन थी, वो समझो सबके सब खत्म हो गई, मतलब तमाम उलझने। लेकिन इब्राहिम के मामले में क्यों फिक्र करूंगी? वो इसलिए कि उसके साथ रहने का जो झूठ बोला गया था उसकी वजह से तुम डरी हुई होगी। बस ना, अरे क्यों खामखा घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, खुल के बता देते हैं ना। टूवल ने बता दिया कि हयात ने झूठ बोला था और वो इब्राहिम के साथ एक दिन भी नहीं रही। किसे? और किसे यार, कौन होगा भला, वही तो है। किसे बता दिया टूवल ने? मुराद सर। या अल्लाह, होश में हो तुम यार? चलो यहाँ से। हाँ।
ओके ओके बस करो, मेरा जबड़ा दुख गया हंस के। अरे क्यों बस करें यार, साल में कभी एक आध बार तो हंसते हैं इतना खुल के आप। अच्छा अच्छा बस बस बहुत हो गया मजाक, इतना क्यों हंसे जा रहे हो यार? यार खुशी के मौके पर हंसे नहीं तो रोए क्या बैठ के, सारे गम दूर हो गए हैं आज। तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? जी यही वक्त है दूरी का, चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दे। तो अब इंतजार किस बात का है? यानी अभी जा रहा हूं मैं। और आप कहेंगे क्या जाकर, ये तो सोच लिया है ना। मैं मुराद सर सलमास जाकर हयात प्रैक्टिस से पूछूंगा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए राजी है क्या। थोड़ा सब्र करें, इतनी जल्दी ना करें, खुद सोचें इतनी रात को जाना मुनासिब होगा क्या। मान लिया आप चले गए और वो जाग रही हुई, मगर आप कहेंगे क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? उसे बता दूंगा जो मेरे दिल में है। मुझे नहीं लग रहा कि ये मुनासिब होगा भाई। यार हयात ने इब्राहिम को इस्तेमाल किया मुझे जेलस करने के लिए, अगर मैं उसे अब भी नहीं बताऊंगा तो उसे कैसे पता चलेगा मैं उससे मोहब्बत करता हूँ? ये सोचे वो शर्मिंदा कितनी होगी। हाँ ये तो है, हो सकता है वो जानती हो सकता है। चलें पता करते हैं कि वो ये बात जानती है या नहीं, किसी ऐसे से जिसे सब कुछ मालूम हो। इस तरह ना उसे शर्मिंदगी होगी और ना ही आप एम्बैरेस और ना ही किसी की इंसल्ट। बख्श दो मुझे, कुछ अंदाजा है मुराद की नजरों में इस वक्त क्या हैसियत होगी मेरी? डार्लिंग इंसान को पॉजिटिव साइड भी देख लेनी चाहिए यार कभी। वैसे मुराद को तो यकीन हो गया होगा ना कि तुम इब्राहिम के साथ एक महीने से नहीं रह रही हो। उसे ये भी पता चल गया होगा कि ये एक्टिंग उसकी खातिर थी। काश मैं इब्राहिम के साथ रह रही होती तो ये शर्मिंदगी ना होती। हाँ। सही कह रही है ये। असली यार love to anlamam